हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, शाम हो गई है और मैं हूँ छत पे। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए, इसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो एक्चुअली आज हम लोग बनाने वाले हैं पोई के पकोड़े। तो पोई के पकोड़े कौन कौन बनाता है और किस किस के इधर पोई बोला जाता है, उसको पत्ते में आपको दिखाऊँगी अभी। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों के कमेंट का थोड़ा सा रिप्लाई आप लोगों को देना चाहती हूँ। हमेशा लोगों का ये कमेंट आता है कि दीदी आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक वीडियो और देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ। और एक्चुअली मैं भोपाल से हूँ और मेरी उम्र 30 साल है और शादी हो चुकी है मेरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोग देखते ही हैं, मुझे देख के पता चलता होगा कि शादी हो गई है मेरी। और मेरे दो बच्चे भी हैं और बेटे का नाम उदयवीर है, घर में उसको ईशु या बाबू बोलते हैं, और बेटी का नाम जो है लहक है, और घर में उसको बेबी हम लोग बोलते हैं, लक्कू बेबी, और अंशी मैं उसको बोलती हूँ। तो बस हम चार लोगों की छोटी सी फैमिली है हमारी, एक खुशहाल परिवार है। और मेरे हस्बैंड जो है जॉब करते हैं, और मैं जो हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई अपनी मम्मी के इधर भोपाल के पास में एक छोटा सा कस्बा है वहाँ से की हुई है। 10th 12th की पढ़ाई मैंने अपने मम्मी के घर से की। इसके बाद में 12th के बाद में 2008 में मैंने 12th पास आउट हुई। मैं 2009 में मेरी शादी हो गई अप्रैल में, 27 अप्रैल को। और इसके बाद मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर में थी, उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी शादी हो गई अप्रैल में, और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इसकी शादी के बाद ही मैंने दिए हुए थे। और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बीएससी में कर रही थी, सिंपल बीएससी मैंने किया है, वो भी मेरी मम्मी के इधर ही मैंने एडमिशन ले लिया था पहले ही कॉलेज में। तो वहीं से मैंने अपना जो ग्रेजुएशन जो है वहीं से कंप्लीट किया है। तो बीएससी में मैंने अपना एडमिशन लिया, 2009 में ही मैंने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई। इसके बाद मतलब शादी हो गई तो फिर ससुराल भी हो गया, घर परिवार हो गया, सब कुछ हो गया। और मेरे हस्बैंड जैसे कि आप जानते ही हैं बाहर जॉब करते हैं। तो 2009 में मेरी ग्रेजुएशन होने के कारण मैं उनके साथ एक दो महीने के लिए गई, जब वो जलंधर में शिफ्ट थे तो हम लोग गए, एक दो महीने मैं उनके साथ में रही। इसके बाद में फिर मैं घर आ गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, और सितंबर में मैं घर आ गई क्योंकि नवंबर दिसंबर में मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। तो इसके बाद फिर मेरा जाना नहीं हुआ, 3 साल मैं अपने मम्मी के इधर रही, आती जाती थी जब भी वो छुट्टी आते थे, तो क्योंकि ससुराल में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है और मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं नहीं रहती थी। तो जब भी वो छुट्टी आते थे तो आ जाती थी और फिर अपने मम्मी के घर चली जाती थी। उसी बीच में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था तो मेरा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया, इसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कभी पढ़ने के बारे में नहीं सोचा, वहीं पर मेरी पढ़ाई जो है स्टॉप हो गई। एक बार उस टाइम मेरा पीएमटी का एग्ज़ाम होते थे तो मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरे 52 नंबर आए थे। और मेडिकल कॉलेज में तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन डेंटल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने बोला दांतों के डॉक्टर बनने से क्या है। तो उस टाइम के बाद फिर मैंने कभी भी एग्ज़ाम के बारे में, पढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं आगे पढ़ूँगी। और बस उनके साथ में फिर मैं मथुरा चली गई, जब सेकेंड बार वो जब मथुरा शिफ्ट थे तो हम लोगों को लेके चले गए। उस टाइम मेरा जो बेटा था 1 साल का था, 1 साल का वो यहीं पर हो गया था नानी और दादी के घर में। तो इसके बाद फिर हम लोग मथुरा चले गए, 3 साल 3.5 साल में मथुरा रही। बहुत ही अच्छी और अमेजिंग जगह है घूमने की, और लोग तो उसको तीर्थ मानते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है वो। तो मैं मथुरा रही, सब लोग घूमे आए गए, और इसके बाद फिर हम लोग पटियाला चले गए क्योंकि ये पटियाला इनका जाने का ऑफिस से हो गया, तो हम लोग पटियाला चले गए और फिर वहाँ रहे। ऐसे करके मेरी शादी के 8-9 साल, मैं कहूँगी कि 10 साल मेरे निकल गए, कभी मैंने पढ़ने के बारे में नहीं सोचा। तो फिर जब भी मैं किसी को देखती थी डॉक्टर बनते या कहीं जॉब में, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी मतलब डर सा एक मन में हो गया था कि मैं कैसे पढ़ूंगी और क्या होगा, और अब जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना मुश्किल है,
तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी से बताती नहीं थी कभी भी। फिर MSc के बारे में मैंने सोचा, कॉलेजेस में पता किया, तो पता चला कि MSc जो है रेगुलर होती है, और दो बच्चों के साथ रेगुलर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि घर के साथ साथ हम लोगों को, मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अधिकतर जॉब में बाहर ही रहते हैं, तो मतलब मेरे को मेरे घर परिवार के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना मुश्किल था। तो फिर भी मैंने 2018 में जब नीट का रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि मेरे को भी पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे भी नीट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि PMT जो है नीट में कन्वर्ट हो गया था, मतलब अब PMT के एग्ज़ाम नहीं होते थे, नीट के एग्ज़ाम होने लगे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे भी जो है नीट का एग्ज़ाम देना है, और मतलब नीट का एग्ज़ाम देना है ये बात बोलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दो बच्चों के साथ में अपनी एजुकेशन को चालू करना, वो भी 10 साल के बाद, मतलब मैं अपनी पढ़ाई का ABCD भी बिल्कुल भूल चुकी थी। तो बस फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, उन्होंने पता किया कि आयु सीमा क्या है, इसकी एज क्या है, तो मेरे पास एक साल ही था क्योंकि मैं 29 में चल रही थी, और जो है SC ST वालों के लिए और नीट के लिए जो है 30 साल की उम्र जो है अधिकतम है उसकी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आपके पास एक ही चांस है, अगर आप करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि ग्रेजुएशन उसके लिए, नीट की तैयारी के लिए बुक्स वगैरह खरीद दी, और बुक्स बहुत सारी थी उसकी, और जब मैं उसकी वीडियोस वगैरह देखती थी तो मुझे लगता था कि इतनी, मतलब इतनी कठिन पढ़ाई को मैं कर पाऊँगी क्या। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को जुटाया और किया, मैंने कई कोचिंग सेंटर्स में भी पता किया मैंने, कि हम लोगों ने पटियाला में जब हम लोग शिफ्ट थे तो मेरे हस्बैंड कई कोचिंग सेंटर में गए, वहाँ पता किया, लेकिन बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं था, और फिर नोट्स बनाना, और मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश में कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ाते, तो इस चक्कर में, और पंजाब में तो हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर एकदम इंग्लिश ही है सब कुछ, उधर का एजुकेशन जो है अधिकतर इंग्लिश के जैसा ही है, हमारे MP के जैसा नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि मैं घर पे ही अपनी तैयारी करूँगी, तो कई ऐप मैंने देखे, और यूट्यूब में मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प किया, इसी पे मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, और मेरा एक साल निकल गया जैसे तैसे करके। और फिर बारी आई एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम हमारा था 9 जून को, तो जून में, मई को था, 9 मई को, हाँ 2019 में, 7 मई को या 9 मई को, 7 या 9 मई में, दोनों में से था शायद, 7 मई को था। तो 1 तारीख की मेरी ननंद की शादी थी, 1 मई की, तो वो 1 महीना अप्रैल का पूरा शादी में चला गया, 1 मई को हम लोगों ने शादी की, और 7 तारीख को मेरा पेपर था, मतलब मैंने 1 महीने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। इसके बाद में जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी, उनको 9 तारीख को जाना था और 7 को मेरा एग्ज़ाम था, तो फिर हम मैंने एग्ज़ाम देने चली गई मैं, और एग्ज़ाम देने के बाद में रिज़ल्ट की बारी आई, तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने पूछा एग्ज़ाम दे करके आई कि कैसा गया पेपर, तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा पेपर कैसे गया, मेरा क्वालिफाई हो जाए ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर रिज़ल्ट की बारी आई तो मेरे हस्बैंड ने रिज़ल्ट देखा मेरा, तो मेरा क्वालिफाई हो गया, पता चला कि मेरा क्वालिफाई हो गया, तो मुझे लगा कि अब तो मैं डॉक्टर बन ही सकती हूँ, मतलब एक सीढ़ी तो मेरी पार हो गई है कि नीट के एग्ज़ाम में आजकल के बच्चों के साथ, मतलब मैं ये कहूँगी कि निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने वो किया और अपनी तैयारी की। इसके बाद में फिर जो है नीट का रिज़ल्ट आ गया, फिर बारी आई हमारी काउंसलिंग में पार्ट करने की, तो MBBS की सीट मिलना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे नंबर कम थे, तो फिर MBBS का सीट जो है मुझे नहीं मिला, किसी भी कोटे से नहीं मिला। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मेरा लास्ट चांस ही है, अगर मैं तैयारी करना भी चाहूँगी तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, तो तैयारी करके क्या फ़ायदा। तो फिर हम लोगों ने जो है, मतलब मैंने जो है बोला कि हम लोग, मतलब जो आयुर्वेदिक का जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्ट किया, तो मेरे को भोपाल का जो है RD कॉलेज जो मेरे को मिला, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो, और मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला, और मतलब भोपाल का एक टॉपेस्ट कॉलेज में से एक है, और वहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और मैंने एडमिशन ले लिया, और आज मैं सेकेंड ईयर में हूँ,
अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की मतलब 2 साल में पूरी कर चुकी हूँ, और आप लोगों का साथ और दुआएं इसी तरीके से मेरे साथ रहीं तो मैं एक अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी और अपने परिवार को भी सपोर्ट कर पाऊंगी। क्योंकि मेडिकल की डिग्री मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा काम है, कि मेडिकल मतलब एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगी कि मतलब बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतना पैसा हम लोग जुटा नहीं पाते हैं, फीसेज नहीं जमा कर पाते हैं। सबसे पहले तो कोचिंग तो दूर की बात है, और कोचिंग सेंटर वाले भी इतना इतना पैसा ले रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए, अंधेरा भी हो रहा है, और आप दुआ कीजिए कि जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से बनी रहूंगी, और जितना जितना मुझे नॉलेज मिलेगा, अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो आप लोग मुझे करिएगा, अगर मुझे पता होगा तो मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए, अंधेरा भी हो रहा है, तो चलिए मैं अपनी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई पढ़ना चाहता है और पढ़ रहा है तो उसको पक्का सपोर्ट करें, उसको जो है मतलब ऐसे ना बोलें कि तुम नहीं कर सकते, या मतलब कुछ भी ऐसा ना बोलें, उसको सपोर्ट करें जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किया, मेरे परिवार ने मुझे किया। तो इसी तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते कि मतलब कि हमें कुछ करना है, तो वही पहले मैं भी सोचती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में शादी हो गई है तो क्या हम पढ़ नहीं सकते? मतलब शादी होने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जिस तरीके से मेरे परिवार और मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा सब ने मुझे सपोर्ट किया, उसी तरीके से आप भी अपनी फैमिली में अगर कोई पर्सन है जो पढ़ना चाहता है, खास करके फीमेल, तो आप उसको पक्का सपोर्ट करें, और भगवान की दुआएँ उसके साथ हमेशा रहेंगी अगर कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में कुछ अच्छा। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करना चाहिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए दुआओं के साथ और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।